Assalamualaikum to all. Today the lecture is about cluster sampling, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसकी टाइप्स हैं, किस किस तरह से हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग को करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग अपना सैम्पल साइज जो है क्लस्टर सैम्पलिंग में सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो यह सारी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हम लोग रोज रोज मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सके. चलते हैं लेक्चर की तरफ. तो व्हाट इज द क्लस्टर सैम्पलिंग? क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैम्पलिंग जो है हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है. और जिधर हम जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्च करने के लिए पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उन ग्रुप्स को हम लोग क्लस्टर्स कहते हैं. अब उन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर ग्रुप्स उन ग्रुप्स में से हम रैंडमली कोई भी ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए, यानी कि अगर 5 या 6 ग्रुप्स हैं तो उनमें से हम लोग कोई भी ग्रुप जो है अपनी मर्जी से एक या दो ग्रुप जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको एज अ सैंपल हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, तो क्लस्टर्स जो होते हैं वो इंटरनली हेटरोजीनियस होते हैं, लेकिन एक्सटर्नली जो है वो होमोजीनियस होते हैं. इंटरनली हेटरोजीनियस होते हैं क्योंकि जब हम ये मोस्टली क्लस्टर सैम्पलिंग हम लोग तब यूज करते हैं जब हमने कहीं सिटीज, हमारे पास ज़्यादा सिटीज़ आ जाती हैं या ज़्यादा रीजन आ जाते हैं या ज़्यादा हमारे पास कह लें कंट्रीज आ जाती हैं, तो फिर हम एज अ सिटी जो है उसको एक क्लस्टर का नाम दे देते हैं. यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि हमने ओवरऑल पाकिस्तान से डाटा कलेक्शन करनी है, तो पाकिस्तान में देखिए कितनी ज़्यादा सिटीज़ हैं, तो हम सियालकोट को एक सिटी है उसको हम एज अ क्लस्टर कंसिडर करेंगे, इस्लामाबाद सिटी है उसको एज अ क्लस्टर कंसिडर करेंगे. इस तरह से उनको क्लस्टर्स करेंगे और फिर रैंडमली कोई भी क्लस्टर या कोई क्लस्टर जो है यानी कोई भी सिटी सेलेक्ट करके उसको हम लोग स्टडी करेंगे और अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे. ठीक है, तो ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कौन से क्लस्टर्स यानी कि सिटीज को सेलेक्ट करना है. तो जब फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंडक्टिंग अ स्टडी, अगर आप एक कंडक्ट कर रहे हैं स्टडी अक्रॉस ऑल सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसकी सिटीज में आप लोग एक स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज क्लस्टर सैम्पलिंग टू एलिमिनेट सर्टेन सिटीज. तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अब यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी ज़्यादा सिटीज़ होंगी, ठीक है, अब आप सारी की सारी सिटीज़ को तो स्टडी नहीं कर सकते, वहाँ से सैम्पल नहीं, सैम्पल साइज के तौर पर उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा एक मुल्क है और उधर उसमें से फिर जो है हम लोग सिटीज़ जो हैं वो भी इतनी बड़ी हैं, तो हम इतने ज़्यादा सैम्पल साइज को सेलेक्ट नहीं कर सकते. तो हमें कुछ जगह को एलिमिनेट भी वहाँ से करना है, यानी कि डिस्कार्ड करना है. तो हम क्या करेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग सिटीज को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दें, यानी कि जो सिटीज हैं एक एक सिटी को एक एक क्लस्टर का नाम दे दें और फिर रैंडमली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, उसके जरिए जो है वो अपना एक क्लस्टर सेलेक्ट कर लें, 1, 2, 3 आपकी मर्जी है कितने हमें क्लस्टर सेलेक्ट करने हैं अपनी रिसोर्सेज के लिहाज से, तो फिर उसको स्टडी करके तो अपने जो है वो नतीजे तक पहुंचे. तो अब हमारे पास आ जाती हैं 3 टाइप्स आ जाती है क्लस्टर सैम्पलिंग की. तो जो सबसे पहली टाइप है वो हमारे पास है वन स्टेज सैम्पलिंग. वन स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम क्लस्टर्स बना लेते हैं और उन क्लस्टर्स में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए से कोई भी एक क्लस्टर जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उस क्लस्टर में से हर मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर से हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, कोई भी मेंबर स्किप नहीं करते. ठीक है, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स की हमने कुछ सिटीज से डाटा कलेक्ट करना है. ठीक है, तो हमने अब अगर वहाँ पर 7 सिटीज हैं तो हम 7 सिटीज से तो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने एक सिटी को एक क्लस्टर का नाम दे देना है कि हमारे पास पहला क्लस्टर है. ठीक है, तो हमने क्लस्टर फिर कोई भी हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए ओवरऑल मतलब 2 क्लस्टर्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है उन 7 में से, और वो 2 क्लस्टर यानी जो 2 सिटीज हैं उनके हर मेंबर्स में से हमने डाटा कलेक्शन करनी है, उनसे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो फिलअप करवाने हैं, तो कोई भी मेंबर उस सिटी का हमने स्किप नहीं करना, ये क्लस्टर सैम्पलिंग का रूल है. ठीक है, अब हमारे पास है आ जाती है 2 स्टेज सैम्पलिंग. 2 स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो हमने बनाए थे 7 क्लस्टर्स बनाए थे, अब 7 क्लस्टर्स में से हमने 2 क्लस्टर्स जो हैं यानी 2 जो सिटीज थी वो एज अ क्लस्टर सेलेक्ट कर ली.
अब उन दो सिटीज में से भी मेंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर हो जाते हैं और आप डाटा कलेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपके पास टाइम भी थोड़ा है, तो आप क्या करें, आप उसमें उन दो सिटीज में से भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए से कुछ मेंबर सेलेक्ट कर लें। यानी कि अगर उन दो सिटीज में 8-800 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो आप 800 मेंबर्स को स्टडी नहीं कर सकते, हर मेंबर को स्टडी नहीं कर सकते, तो आप हर सिटी में से जो है वो 400-400 के सैंपल जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग के जरिए सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाती है टू स्टेज सैंपलिंग। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये भी हमारे पास टू स्टेज सैंपलिंग की तरह ही होती है कि हम इसको इसमें से जो या तो हम इसमें से एक क्लस्टर जो है एक क्लस्टर या तो पूरा स्टडी कर ले, यानी कि अगर हमने जो दो क्लस्टर सेलेक्ट किए थे और यानी कि दो सिटीज जो सेलेक्ट की थी उनमें से एक सिटीज को हम टोटली ईच एंड एवरी मेंबर जो है उस सिटी का वहाँ से डाटा कलेक्शन करें, उनको सारा स्टडी कर लें उस क्लस्टर को, और जो दूसरा क्लस्टर जो हमने एज अ सिंपल एंड सैम्पलिंग के जरिए सैंपल सेलेक्ट किया था उसको हम लोग उसमें से हम लोग थोड़ा सा जो है सिंपल एंड सैम्पलिंग के जरिए थोड़े से मेंबर्स निकाल लें उस क्लस्टर्स में से और सिर्फ उनसे डाटा जो है कलेक्शन कर लें, ठीक है। लेकिन इन तीनों टाइप्स में से सबसे ज़्यादा यूजफुल जो टाइप है और क्लस्टर सैम्पलिंग जिस पर बेस करती है मोस्टली वो वन स्टेज सैम्पलिंग है, जिससे हमें रिलायबल कह लें कि रिजल्ट मिलते हैं कि हम लोग क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और कोई से भी दो तीन क्लस्टर्स को एज अ सैम्पल हम लोग सिलेक्ट करते हैं और फिर उनमें से क्लस्टर के सारे मेंबर्स में से जो है वो डाटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, कोई भी मेंबर हम स्किप नहीं करते। तो मोस्टली जो है वो वन स्टेज सैम्पलिंग ही यूज की जाती है। यस, क्लस्टर सैम्पलिंग की एक एग्जांपल के तौर पे है, ये देख लें कि जिस तरह हमारे पास चार क्लस्टर्स हैं, ठीक है, ये चार क्लस्टर्स हैं तो हमने ये इन चारों में से ये ग्रुप वन और ग्रुप फोर जो है एज अ क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए हैं और ये वन स्टेज सैम्पलिंग एग्जांपल है। तो वन स्टेज सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे कि हम इस दोनों ग्रुप्स के हर मेंबर से जो है वो डाटा कलेक्शन करेंगे, कोई भी मेंबर स्किप नहीं करेंगे। और अगर हम टू स्टेज सैम्पलिंग की बात करें तो अगर हम इन दो ग्रुप्स में जो हमने क्लस्टर सेलेक्ट किए हैं हम इन दोनों ग्रुप्स में से दो ग्रुप्स को इन दोनों ग्रुप्स में से हम कोई भी मतलब फर्स्ट ग्रुप में से हम लोग दो मेंबर जो हैं या अपनी मर्जी से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए से कुछ मेंबर्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे एज अ सैम्पल, और ग्रुप फोर में से भी हम इसी तरह सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए से कुछ मेंबर्स एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर लेंगे और उनसे रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर लेंगे, यानी उनसे डाटा कलेक्शन कर लेंगे। और मल्टी स्टेज में क्या होता है कि हो सकता कि हम ग्रुप वन से ओवरऑल जो है वो डाटा कलेक्शन कर लें, ठीक है, यानी कि हर मेंबर जो है हमने इस क्लस्टर में है वो सारे मेंबर्स को स्टडी कर लें, और ग्रुप फोर में से हम लोग सारे मेंबर्स को स्टडी ना करें जबकि हम लोग सिर्फ दो या तीन मेंबर्स को या फिर कह लें कि 10-15 मेंबर्स को हम लोग सिंपल एंड सैम्पलिंग के जरिए से सिलेक्ट कर लें और उनसे हम लोग डाटा कलेक्शन कर लें, ठीक है, ये मल्टी स्टेज है। सो स्टेप्स ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल यूजिंग क्लस्टर सैंपलिंग, किस तरह से हम लोग जो है सैंपल को सिलेक्ट करते हैं क्लस्टर सैंपलिंग में। अब एक रिसर्च एग्जांपल देख लेते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं कि जो सेवन ग्रेड के जो यानी आप अपनी सिटी जो है एक सिटी है और आप के सेवन ग्रेड के स्टूडेंट्स जो हैं उनका रीडिंग लेवल देखना चाहते हैं क्या है, तो आपकी सिटी में आप कितने ज़्यादा स्कूल्स होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कूल्स होंगे, अब उन स्कूल्स में कितने ज़्यादा बच्चे होंगे। तो अब आपके लिए यहाँ पर इन सब में से सिंपल रैंडम सैंपलिंग के जरिए अगर आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो आपकी सिटी में आप कह लें कि अब 500 स्कूल हैं, ठीक है, तो 500 स्कूल में से आप दो तीन कह लें कि आप सिर्फ मुश्किल से उन 500 स्कूल में हर स्कूल में अगर 4000 बच्चे हैं तो आप इतने ज़्यादा लोगों से डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते सिंपल एंड असेंबली के जरिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्लस्टर असेंबली में मूव करते हैं कि हम हर स्कूल को एक क्लस्टर का नाम दे देते हैं, ठीक है, और ताकि हम कोई क्लस्टर सेलेक्ट करके तो वहाँ से डाटा कलेक्शन कर ले। तो अब वो किस तरीके से हम करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डिफाइन कर ले, हर जो तकनीक है उसमें यही होता है कि सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन जो है उसको क्लियरली डिफाइन कर लें क्या है। तो जो हमने एग्जांपल ली कि हम लोग सेवन्थ ग्रेड की रीडिंग लेवल को चेक करना चाहते हैं अपनी सिटी में, तो इसमें क्या होगा कि जो भी रीडिंग प्रोग्राम स्टडी है यानी कि जहाँ जहाँ पर सेवन्थ ग्रेड जो है वो मौजूद है आपकी पॉपुलेशन में यानी कि आपकी सिटी में, तो हम उन सारी जो हमारी जो स्कूल्स होंगे वो वाले जहाँ पर सेवन्थ ग्रेड्स पढ़ाया जाता है तो वो सारे स्कूल जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन होंगे।
अब क्या करते हैं दूसरे स्टेप में कि हम अपनी जो अब हमने जो अपना सैंपल है उसको अपने क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, यानी कि जो अपनी पॉपुलेशन है उसको क्लस्टर जो है डिवाइड करना है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रोसेस का कि आप अच्छी जितनी अच्छी आपके क्लस्टर्स जो हैं उनकी क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी रिजल्ट्स की वैलिडिटी आएगी। ठीक है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लार्जर पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो कि क्लस्टर जो हैं वो नेचुरली अक्रिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आप कह लें कि स्कूल्स हैं, सिटीज हैं या हाउस होल्ड है, तो ये होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप कह लें कि एक्सटर्नली होमोजीनियस होते हैं। जैसे ना अगर स्कूल है तो एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ जो है वो होमोजीनियस है, और लेकिन इंटरनली जो है वो हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी कि उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नली जो हैं वो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, यानी कि स्कूल जो हैं वो है तो स्कूल ही, तो एक दूसरे से मिलते होंगे, उनके के पढ़ाने का जो तरीका है या पढ़ाने की जो चीज़ है वो सेम होगी। तो हर जो क्लस्टर पॉपुलेशन है वो एक दूसरे क्लस्टर से डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी डिफरेंट उसके होना चाहिए, जो एक में क्लस्टर में मेंबर है वह दूसरे क्लस्टर में मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ताकि आपके रिजल्ट जो हैं वो ठीक आ सकें। तो आपने अब अपने क्लस्टर को पॉपुलर मतलब क्लस्टर्स बनाने हैं, आपने क्या करें कि आप 7th ग्रेड स्कूल में से जो हर स्कूल को आप एक ऐसा क्लस्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास स्कूल आ गए हैं। ठीक है, आपने इन 9 या 8 स्कूलों में जो भी हैं आप, ये आपके क्लस्टर्स हैं, आपने इन क्लस्टर से आप डाटा कलेक्शन करनी है। तो इनमें से ही आपने रैंडमली कोई सिलेक्ट करना है क्लस्टर, और उधर से हमें डाटा कलेक्शन करनी है। ये आपके पास जो स्कूल से उनको हमारा क्लस्टर चेंज कर लिया है, अब एक क्लस्टर में जो मेंबर है वो दूसरे क्लस्टर में नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेप ये है कि अब आपने जो है रैंडमली क्लस्टर्स को सिलेक्ट करना है और उसको एज अ सैंपल आपने यूज करना है। ठीक है, अब इतनी ये जो क्लस्टर्स होते हैं, अब जितने ज़्यादा अच्छे क्लस्टर्स आपने बनाए होंगे, आपने अच्छे तरीके से आपने क्लस्टर देख लेने हैं, द स्कूल आप अगर क्लस्टर रख रहे हैं तो वो अच्छा हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपकी वैलिडिटी जो है रिजल्ट्स की वो खराब ना हो। तो अब आपने सैंपल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास वो जो क्लस्टर्स थे आपने उन क्लस्टर्स में से कोई से भी 2 क्लस्टर्स जो है एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लेनी है, और उनमें से जो जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर जितने भी मेंबर्स हैं उन क्लस्टर्स में, उन 2 क्लस्टर्स में, उनमें से हर मेंबर से आपने डाटा कलेक्शन करनी है। ठीक है, और उनसे जो है आपने क्वेश्चन जो जो भी पूछने हैं वो करने हैं। अब आपने सैंपल जो इसमें सेलेक्ट करना है वो आपने एक जो फॉर्मूला होता है उसको उसको यूज करते हुए कैलकुलेट करना है। वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने यहाँ पर कौन जो है कॉन्फिडेंस लेवल कितना रखना है। ठीक है, 95 रखना है या 99 रखना है या 90% पर रखना है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना रखना है। तो जितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लेवल रखेगा उतना ज़्यादा ही उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अच्छा आएगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही है चीज। अब सबसे लास्ट वन है कि आपने जो सैंपल सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, सैंपल आपने जो डाटा सिलेक्ट किया है उन दो उन क्लस्टर से आपने जो है वो डाटा कलेक्शन कर लेनी है। आपने हर मेंबर जो है उसके क्लस्टर्स का आपने एज अ सैंपल सिलेक्ट किया है और उनको उनसे आपने डाटा कलेक्शन करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो कि आपको क्लस्टर सैम्पलिंग जो है आज क्लियर हो गई होगी कि क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, और मतलब जब हमारे पास डाटा ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग की तरफ मूव कर जाते हैं। तो लेकिन ये मोस्टली रिलायबल नहीं होती इतनी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी अगर हम एक क्लस्टर को जब ओवरऑल स्टडी करते हैं तो 2000 अगर बंदा है एक क्लस्टर में और हमने 4 क्लस्टर जो है सैंपल सेलेक्ट किए हैं अपने सैंपल साइज के अकॉर्डिंग, तो वो फिर भी डिफिकल्टी आ जाती है। तो हम लोग 2 स्टेज पे जाते हैं, फिर हम लोग मल्टीपल स्टेज पे कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते। तो इसलिए जब भी क्लस्टर सैम्पलिंग करें तो 1 स्टेज सैम्पलिंग को ही सिलेक्ट करें, ताकि आप ओवरऑल क्लस्टर्स को स्टडी कर सकें और इतना ज़्यादा बड़ा जो है सैम्पल साइज जो है लंबा चौड़ा ना खींचें, ताकि आपके रिजल्ट जो हैं वो वैलिड ना हो। ठीक है, रिलायबल हो ना हो, तो अच्छे तरीके से करें ये दी क्लस्टर सैम्पलिंग। तो मिलते हैं कल एक नई लेक्चर के साथ, एक नई सैम्पलिंग टेक्निक के साथ। तो देखते रहेंगे मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।